ब्लॉगर पर एडसेंस अप्रूवल के लिए ब्लॉगर में कितना पोस्ट लिखना पड़ेगा, जब जाके हम जो है ब्लॉगर को गूगल एडसेंस के साथ लिंक कर सकते हैं, यानी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, गूगल एडसेंस के लिए। तो यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि सबसे पहले अप्लाई करने से पहले आपको कितना पोस्ट लिखना है। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूँ, जब मैंने शुरुआत किया था, ठीक है, ब्लॉगर को, तो हुआ क्या था कि यहाँ पे हमने 35 पोस्ट लिखा था, ठीक है, और 35 पोस्ट जो होना चाहिए वो जेन्युइन होना चाहिए, वो आपका खुद का लिखा होना चाहिए, कहीं से कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे उस प्रकार का पोस्ट होना चाहिए आपका खुद का और खुद से लिखा हुआ। जब आप 35 पोस्ट लिख लोगे तब जो है आप गूगल एडसेंस के साथ आप अपने ब्लॉगर को कनेक्ट करना। बाकी मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पे देखो सबसे अच्छा जो रहेगा आपको 50 पोस्ट लिखना है, ठीक है। यहाँ पे 35 पोस्ट पे हमने गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले लिया था, तो हमारा पोस्ट किस प्रकार का था तो हमें पता था, ठीक है, लेकिन आपका पोस्ट किस प्रकार का रहेगा उसके अंदर में जो होता है वर्ड जो होता है वो, तो उस चीज़ को भी देखा जाता है। यहाँ पे 1000 वर्ड का जो है आपका पोस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप जो है 50 पोस्ट लिख लेते हो तब आप गूगल एडसेंस के साथ अपने ब्लॉगर को कनेक्ट करना। गूगल एडसेंस के साथ कनेक्ट करने का दो तरीका है, ठीक है। एक तो पहला तरीका, यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अर्निंग का ऑप्शन दिख जाता है, तो डायरेक्ट यहाँ पे अर्निंग पे क्लिक करके आप ब्लॉगर को गूगल एडसेंस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। बाकी एक तरीका और भी है, मैनुअली तरीका वो है, तो वो जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा फुल कोर्स का, उसको आपको देखना है, ठीक है। तो उस चीज़ को देख के आप जो है ब्लॉगर में बहुत ही आसानी से काम कर सकते हो। अगर आप पहली बार ही ब्लॉगर के बारे में जाने हो, अगर आपको ब्लॉगर के बारे में कुछ पता नहीं है, तो फुल कोर्स देख के आप जान सकते हो, ब्लॉगर के बारे में पूरा जानकारी आप हासिल कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फुल कोर्स मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दिया हूँ, तो बस यही काम करना होता है। अगर आप गूगल एडसेंस के साथ कनेक्ट करते हो ब्लॉगर को, तो होता क्या है कि 15 दिन में आपको अप्रूवल का नोटिफिकेशन आते हैं जीमेल पर, ठीक है, जिस जीमेल आईडी से आपने ब्लॉगर को बनाया होगा, गूगल एडसेंस को बनाया होगा, उसी जीमेल आईडी पे एक नोटिफिकेशन आएगा। अगर आपके सामने इस प्रकार से नोटिफिकेशन आ जाता है जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो, तो समझ लेना कि आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल गया, ठीक है। या नहीं आते हैं तो इस तरीके से तो समझ जाना कि गूगल एडसेंस का आपको अप्रूवल नहीं मिला है। तो फिर आपको जो है चेक करना है कि ब्लॉगर के अंदर में कोई ख़राबी तो नहीं ना है। यहाँ पे ख़राबी जो होता है दोस्त पोस्ट को ही लेके ख़राबी नहीं होता है, यहाँ पे थीम के ऊपर भी बात पड़ता है, थीम का कस्टोमाइज करना पड़ता है, ठीक है। ब्लॉगर के अंदर में पोस्ट लिखना होता है, प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस का बटन इसके अंदर में लगाना होता है, ठीक है। तो अगर आप ब्लॉगर के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो तो कोई बात नहीं, आप पूरा भी जान जाओगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फुल कोर्स का लिंक दे दिया हूँ, बस उसको देखना है, उस पर क्लिक करके और आप जो है ब्लॉगर के बारे में सारा जानकारी हासिल कर सकते हो। वहाँ पे हमने बताया कि कैसे ब्लॉगर को क्रिएट किया जाता है, कैसे थीम कस्टोमाइज किया जाता है, कैसे जो है गूगल एडसेंस के साथ ब्लॉगर को लिंक किया जाता है, सारा जानकारी वहाँ पर दे रखा हूँ दोस्तों। तो जाओ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फुल कोर्स को पहले देखो और उसके बाद आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए यही जानकारी आपको देना था, अगर ये जानकारी सही लगा होगा तो इस वीडियो को कर देना लाइक, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि आगे मैं इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।